क्या पढ़ना है? वाक्य विचार। हम वाक्य के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने पहले संधि पढ़ा, समास पढ़ा, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, ये हमने पढ़े। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वाक्य विचार। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वाक्य विचार होता क्या है। वाक्य विचार होता क्या है? वाक्य क्या है? जैसे शब्दों का शब्द वाक्य तो कुछ भी हो सकता है, हैं? मान लो कि हमने लिखा राम दिल्ली में रहता है, ठीक है, हमने लिखा ये वाक्य कि राम दिल्ली में रहता है। अब हम जैसे ये लिखते हैं कि राम रहता है दिल्ली में, तो ये क्या सही होगा? वाक्य नहीं होगा ना। जैसे एक व्यवस्थित रूप, क्या एक व्यवस्थित रूप, जैसे कि ये व्यवस्थित है राम दिल्ली में रहता है, ये व्यवस्थित है। अब ये कह रहा राम रहता है दिल्ली में, तो ये मतलब एक व्यवस्थित रूप नहीं है वाक्य का। तो एक ऐसा व्यवस्थित रूप शब्दों का, ये हमारे शब्द हैं, तो शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो वो क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। परिभाषा आपको लिखवा देते हैं, देखिए परिभाषा लिखिए। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए परिभाषा यही बनती है कि शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यह हमारी परिभाषा होगी। अब देखिए इसके भेद भी होते हैं, लेकिन उससे पहले हम वाक्यांश पढ़ेंगे कि वाक्यांश होते क्या हैं। एक वाक्यांश होते हैं, तो वाक्यांश क्या होता है कि ऐसे शब्द, परिभाषा ही लिख लो, ऐसे शब्दों वाक्य जो पूर्ण तो होते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं। मतलब ऐसे वाक्य होते हैं कि जो हाँ ठीक तो रहते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, मतलब उससे हमें पता ये ज्ञात नहीं होता है कि क्या कहना चाहता है आगे वाला, जो आगे वाला व्यक्ति हमसे बात कर रहा है वो क्या कहने वाला, क्या कहना चाहता है। जैसे हमने कह दिया दरवाजे पर, क्या दरवाजे पर, अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि दरवाजे पर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि दरवाजे पर क्या है। जैसे हमने कह दिया अलमारी में, अलमारी अलमारी में, ठीक है, जैसे हमने कह दिया अलमारी में, अब अलमारी में क्या कुछ, मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ वाक्य अलमारी में कुछ कह रहा है लेकिन हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमारे जो दरवाजे में अलमारी में ये सब हमारे क्या आ जाते हैं? वाक्य। क्या होते हैं? वाक्य। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे? भेद। इसके दो भेद होते हैं वाक्य के, कितने? दो भेद होते हैं। एक क्या होता है? रचना के आधार पर,
अर्थ क्या है? ठीक है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर देख लिया। अब हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर। क्या पढ़ना हमें? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम वाक्य भेद पढ़ेंगे। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य आठ भेद होते हैं। कितने? आठ भेद। अर्थ के आधार पर कितने? आठ भेद होते हैं। फर्स्ट हमारा देखना विधान वाक्य। विधान नंबर दो निषेध वाक्य। तीसरा प्रश्न वाक्य। चौथा विस्मयांति वाचक। पांचवा इच्छा वाचक। कितने हो गए? विधान वाचक, निषेध वाचक, प्रश्न वाचक, विस्मयांति वाचक, इच्छा वाचक, संकेत वाचक, आज्ञावाचक, एक होता है हमारा क्या? संदेह वाचक। ये हमारे आठ वेद होते हैं। देखिए विधान वाचक, निषेध वाचक, प्रश्न वाचक, विस्मयादि वाचक, इच्छा वाचक, संकेत वाचक, आज्ञा वाचक और संदेह वाचक। ठीक है, ये हमें आठों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला हम लेते हैं क्या? विधान वाचक। फर्स्ट हमारा क्या था इसका भेद? विधान वाचक। तो विधान वाचक में क्या होता है कि विधान वाचक ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हमें कोई जानकारी मिलती है, कोई मतलब नॉलेज की, मतलब नॉलेज मिलता है कोई भी। जैसे इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, वो हमारे क्या होते हैं? विधान वाचक। जैसे हम कहते हैं क्या? भारत एक देश है। क्या हमें जानकारी प्राप्त हो रही है? भारत एक देश है। कहें कि अयोध्या
के राजा दशरथ थे। हमें एक ज्ञानी मिल रहा है, जानकारी प्राप्त हो रही है कि अयोध्या के राजा कौन थे, दशरथ थे, और भारत एक देश है। ऐसे कई मतलब जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो, कोई जानकारी मिले, ठीक है, जानकारी का बोध हो, तो वो हमारे किसमें आ जाएंगे, विधान वाचक में। कोई भी ऐसी बात को जैसे जानकारी मिल रही हो, है कोई भी कि ये हमारे यहाँ है, ये वहाँ है, ठीक है, कि हमारा यहाँ का राजा वो है, हैं यहाँ का मुख्यमंत्री ये है, यहाँ के प्रधानमंत्री ये हैं, ऐसे बात आए तो हम वहाँ क्या लिख देंगे, ये विधान वाचक वाक्य है हमारा, ठीक है। अब दूसरा हमारा बात, दूसरा क्या था, निषेध वाचक। दूसरा हमारा है निषेध वाचक। तो निषेध वाचक में जैसे नाम ही से ज्ञात हो रहा है क्या निषेध लगा है, ठीक है, क्या लगा है, निषेध लगा है। तो निषेध मीन्स क्या होता, नहीं होता, निषेध मीन्स करना नहीं है। तो ऐसे वाक्य आते हैं इनमें, कैसे, ऐसे वाक्य जिन में कोई भी किसी भी कार्य को ना करने का बोलो, क्या, ना करने का बोलो, तो ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य को ना ऐसे वाक जिन वाक्यों में किसी कार्य को ना करने का बोध हो, वो हमारे क्या होंगे, निषेध वाचक। निषेध वाचक में ये ध्यान रख लीजिए क्या होता है कि नहीं लगा है अगर, तो वो निषेध वाचक ही होगा। कोई वाक्य नहीं लगा रहा है, इसमें नहीं लगा है, ठीक है, जैसे लिखा कि मैंने चाय नहीं पी, नहीं पी है, ठीक है, तो अब नहीं आ रहा ना, क्या मना ही हो रहा, ठीक है, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, निषेध वाचक में। दूसरा ले लो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, निषेध में, इसमें भी नहीं आ रहा। तो ऐसे वाक्य जिसमें कोई भी कार्य है उसे ना करने का हो, जैसे स्कूल है तो स्कूल में नहीं जाना चाहता, ठीक है, उसको भी नहीं करना चाहता, चाय भी नहीं पीना चाहता ना ही, ठीक है, जितने में नहीं आए वो हमारा किसमें आ जाएगा, निषेध में। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा भेद आता है क्या, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य इनमें क्या होता है, जैसे नाम ही से पता चल रहा है क्या है, प्रश्नवाचक, ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से किसी प्रश्न का बोध, क्या, किसी प्रश्न का बोध, सीधा लिख दो, जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध हो, उन्हें ऐसे वाक्य जिनमें वाक्यों से प्रश्न का बोध,
ठीक है, मान लो कि कोई भी प्रश्न, कोई भी वाक्य कह रहा कि क्या तुम आगरा गए गए थे, प्रश्न आ रहा कौन दिल्ली जाएगा, सब क्या कौन ये सब बात क्या है, प्रश्नवाचक है। क्या बाजार खुला है, ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें क्या है प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न का बोध हो, प्रश्न देखो ये वाक्य है तो उनमें प्रश्न चिन्ह भी लगा आएगा, जितने भी वाक्य आएंगे तो प्रश्न चिन्ह भी उनमें लगा आएगा, ये भी जरूरी है, तो प्रश्न चिन्ह लगा आएगा तो समझ जाइएगा कि हमारा क्या है प्रश्नवाचक वाक्य है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या था, विस्मय आदि वाच्य, ये ऐसे वाक होते हैं, ध्यान देना, ये ऐसे वाक होते हैं जिनमें मतलब कोई भी हर्ष उल्लास हुआ है तो उनमें ही लगाए जाते, शोक हुआ हर्ष की बात है कोई खुशी की बात है तब भी ये विस्मय आदि वाले वाक को वाचक होंगे उसमें वाक, और दूसरे कोई दुख की बात है, ठीक है, तो उसमें भी ये विस्मय आदि वाचक वाक होंगे, तो इसके इन वाक्यों से हर्ष उल्लास दुख आदि, हर्ष उल्लास दुख आदि ये कैसे बात होते हैं कि इन वाक्यों से हर्ष उल्लास दुख का पता चलता है। तो अब देखिए जैसे कोई है कह रहे अपन क्या कह रहे हैं आहा, ठीक है, मजा आ गया, क्या आहा मजा आ गया, यहाँ लगेगा क्या विस्मय आदि चिन्ह लगता है, ठीक है, और कहेंगे कोई चिल्ला रहा है, हैं? कोई भी चिल्लाने में अपन कहते नहीं ये इधर आओ, तो ऐसे वाक्य जिनमें दुख हो चिल्लाना हो हर्ष हो उल्लास हो हैं हुर्रे ये, ठीक है, और ऐसे वाक्यों को क्या हम विस्मय आदि वाचक वाक्य में रख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इच्छावाचक, पांचवा क्या है इच्छावाचक, इच्छावाचक में क्या होता है कि कोई इच्छा होती है आकांक्षा हो गया या आप आशीर्वाद होते हैं ये आए दिन वाक्यों में तो वो हमारा इच्छावाचक है, जिन वाक्यों में इच्छा आकांक्षा या आशीर्वाद का हो, जिन वाक्यों में क्या इच्छा आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो वो हमारी क्या
डालते हैं एक चावा तक, ठीक है। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, ये क्या आशीर्वाद दे रहा कि भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, जैसे कहा कि सदा खुशी रहो, ये क्या है आकांक्षा एक घर है सदा खुश रहो। तो ये ऐसे वाक्य जिसमें आशीर्वाद हो, आकांक्षा हो, इच्छा हो, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, इच्छा वाचक वाक्य में आ जाएंगे। समझ में आया कैसे बात, जिनमें इच्छा का आकांक्षा और आशीर्वाद का बोध वो हमारे इच्छा वाचक में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है संकेत वाचक, संकेत वाचक वाक्य। इनमें क्या होता है कि संकेत को ऐसे वाक्य जिनमें कोई व्यक्ति है वो संकेत देने का प्रयास कर रहा हो, क्या संकेत देने का, कि हमने कहा कि वहां स्कूल है, हैं यहां मतलब यहां हमने कहा उसका घर यहां है, रमेश का घर यहां है, तो ऐसे घर जिसमें हम इशारे दे रहे हो, क्या संकेत दे रहे हो, वो हमारा क्या आ जाएगा संकेत वाचक वाक्य आ जाएंगे। जिन वाक्यों में संकेतों का बोध हो उन्हें संकेत वाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जिन वाक्यों में संकेतों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए कि हमने क्या बताया था कि जैसे कि रमेश का घर वहां है, अब ये वहां क्या है संकेत, संकेत दे रहा वहां, ये क्या है संकेत दे रहा है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा संकेत वाचक वाक्य। दूसरा ले लीजिए यहां पुस्तक रखी है, तो ये यहां है जो वो संकेत है, तो ये भी किस में आ जाएगा संकेत वाचक, ठीक है। तो ऐसे बात यहाँ वहां आ जाए, ये हमारे किस में आ जाएंगे संकेत वाचक वाक्य में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट बताइए आज्ञावाचक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज्ञावाचक। सातवा है ना आज्ञा आज्ञावाचक वाक्य। अब जैसे इसमें ज्ञात हो रहा हमें किससे आज्ञा दे, कि कोई आज्ञा दे क्या करे आज्ञा दे, मान लो कि हमने कहा कि इधर आओ, तो हमने आज्ञा दी कि इधर आओ, और हमने कहा कि जाओ पानी लेकर आओ, तो ये क्या आज्ञा ही तो है, हैं? जैसे कि कल प्राचार्य ने अध्यापकों को इसमें स्टाफ जो स्टाफ रूम होता है जैसे कहा कि कल प्राचार्य महोदय ने अध्यापकों को स्टाफ रूम में आने के लिए कहा है, इतना बड़ा वाक्य है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा आज्ञा ही तो दिए प्राचार्य आज्ञा दिए, तो ये हमारे किस में सब आज्ञावाचक में आ जाएगा।
तो सीधा है इसकी परिभाषा भी वही होगी, जिन वाक्यों में आज्ञा देने का बोध हो आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे आज्ञावाचक वाक्य। जैसे हमने कहा रमेश पानी लेकर आओ, बच्चों पार्क में खेलो, तो ये हम क्या आगे इंट दे रहे हैं हैं? कह रहे रमेश पानी लेकर आओ, बच्चों पार्क में खेलो, ये हमारे क्या हो गए आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञावाचक समझ में आ गया, लिख लिया। अब हमारा लास्ट क्या है, संदेह वाचा। क्या संदेह वाचा? संदेह वाचा। संदेह वाचा संदेहवाचक में क्या, नाम से पता चल रहा है संदेह होता है। क्या होता है? संदेह। संदेह कोई भी बात तो बोलते हैं लेकिन पूरा शुद्ध नहीं होता, उसमें भी संदेह होता है, है? तो जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो, इसका संदेह का बोध, तो जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो तो वो हमारे क्या हो जाएंगे संदेह वाचक। जैसे कि कहा क्या राम ने पढ़ाई कर ली, तो ये वाक्य है, तो इसमें देखिए वो कह रहा क्या राम ने पढ़ाई कर ली है, तो अब ये ध्यान देना है कि क्या राम ने पढ़ाई कर ली। अब तो ये पूरा तो है नहीं, उसे पता तो है नहीं कि राम ने पढ़ाई कर ली, उसे संदेह है क्या राम ने पढ़ाई कर ली, मतलब वो सोच रहा है या किसी से पूछ रहा। ठीक है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा संदेह में। अब जैसे कहा क्या कल मैच है, तो अब वो क्या कह रहा है क्या कल मैच है, उसे पता नहीं क्लियर है। अगर क्लियर पता होता, अगर क्लियर उसे सब मालूम होता तो वो क्या करता, क्या कहता कि कल मैच है, मतलब क्लियर कह देता कल मैच है, लेकिन उसे क्लियर नहीं है, संदेह है उस इसमें अपने पॉइंट पे कि क्या कल मैच है, तो वो इसलिए कह रहा है कि क्या कल मैच है, उसमें संदेह आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य हमारे क्या आ जाएंगे संदेह में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे संदेह वाक्य के 8 भेद हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब अर्थ, ये अर्थ के आधार हो गए, अब क्या रचना के आधार।